क्वीर बदन भद्दे मजाक कलंक या हिंसा का शिकार बनते हैं। मुझे रोज खुद को छिपाए रखना पड़ता था। मुझे खुद पर और बंदिशें नहीं चाहिए। ड्रैग क्वीन बनकर मुझे अंदरूनी खुशी मिलती है। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। तुम्हें कामयाब होना होगा, वरना ये मत करो। तुम्हें अपने सबसे अच्छे रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहते तो खुद को बहलाना बंद करो। मेरा नाम पीयूष है, पीयूष श्रेष्ठ। मैं नई दिल्ली में जन्मा और पला बढ़ा। मेरे सेकंड ईयर के सीनियर मुझे पहले ड्रैग शो में ले गए थे। आह, कितना ही खूबसूरत था। मैं दंग रह गया था। मुझे लग रहा था, क्या ये सब सच में हो रहा है? तभी से मुझे पता था कि कभी न कभी, कहीं न कहीं मेरा रास्ता भी यही होगा। 12 घंटे की शिफ्ट खत्म कर घर लौटता, फिर अपनी देह रंगता। कमबख्त पूरी जिंदगी यही करने का तो मेरा मन था, और इससे मन नहीं भरता। बहुत कुछ समझने के सफर पर हूँ अभी। बहुत कुछ हासिल करना है। मुझे सिर्फ खुद की तरक्की करनी है। सिर्फ वही करना है जो खुद को सही लगता है। मैं हूं रानी कोहिनूर उर्फ ड्रैग से बाहर सुशांत। एक अदाकार हूं, एक गायक, एक कलाकार। मैं हर कोई ना बन पाऊं, लेकिन हर चीज मुझे आती है, समझे? मैं भारत का खास ड्रैग आइकन हूं, ऐसा सब कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से मनोरंजन उद्योग से जुड़ा हूं। पहले ड्रैग में आने के लिए हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता था। ऑफिस में भी बलात्कार का, छेड़छाड़ का खतरा रहता था। मैंने पहला कदम उठाया और इज्जत मांगी। वो कौन है मुझे नहीं मालूम, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं। पहले देखते हैं कि वो क्वीन कहलाने लायक है भी या नहीं। मैं काफी उत्साहित हूँ। देखा जाए उसके पास दिखाने को क्या है। अगर पसंद नहीं आया तो मैं तुरंत मेन्यू बदल दूंगा। हाय। हाय, आ, ये तो वाकई गजब है, एकदम जादू जैसा। आओ झप्पी दो। क्या हाल? मैं बढ़िया। अच्छा है, बैठो। ओ, कितनी प्यारी छुटकू सी, कैसी हो? मैं बढ़िया, सितारों के बीच खोई, क्या कहूँ, मेरे लिए जादू जैसा पल है। मुझे इतनी खुशी है कि यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। सुशांत दिवगीकर। सुशांत दिवगीकर। सबसे पहले अपना पूरा नाम और ड्रैग नाम बताओ। मुझे अभी कॉलोन डॉल कहते हैं। तुम्हें अब तुम्हारा ही वर्जन
2.0 बनाने वाला हूँ। कोलोन अपग्रेड होने जा रही है, तो तुम्हें जो चुनौती देने जा रहा हूँ स्वीकारनी होगी। तुम एक ऐसे रूप में ढलो जो तुम्हारे लिए सच्चा हो। तुम्हें दरअसल बजट भी देने जा रहा हूँ, अपनी कला में उसे खर्चो और सुंदर रूप निखारो। तुम्हारे पास करीब 2 घंटे हैं, 5 बजे मिलते हैं। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, खड़े हो, उठो, निकलो यहाँ से। Get up, everyone! मुझे देखना है कि इस समय क्या मिलेगा। मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया है। मैं उन्हें अपमानित नहीं महसूस कराना चाहता, क्योंकि मुझे पता है वे होंगे। मम्मी पापा का सपोर्ट न मिलता तो मेरे लिए ये सब मुश्किल होता। रहने को घर भी नहीं होता, ऐसा भविष्य सोचकर भी डर लगता है। नई और बेहतर कोलोन डॉल के लिए जोरदार तालियां। कोलोन डॉल। इस पोशाक का रंग अच्छा लगा। तुमने पोशाक के रंगों को अपनी आंखों और अपने होठों पर भी लगाया है, ये शानदार है। मुझे तुम्हारा कंटूर करने का तरीका पसंद आया। आंखें थोड़ी और साफ हो सकती हैं। मुझे ये लुक भा रहा है, लेकिन मैं वाकई मानता हूँ तुम और भी अच्छा कर सकते हो। अब दूसरे चैलेंज की बारी है। मैं लेवल ऊपर उठा रहा हूँ। तुम अब ड्रैग क्वीन के भेष में जनता के बीच जाओ, तमाम रुकावटें ढहा दो, बाहर निकलो और जो है उसे कबूल करो। उन लोगों की कभी परवाह न करो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। कल लंच पर ओरका कैफे में मिलते हैं। ड्रैग को बहुत विचित्र माना जाता है, कुछ ऐसे कि हे भगवान ये इसे क्या हो गया। जानकारी न होने का अलग ही मजा है। भारतीय तो इस मामले में अव्वल हैं, जब मामला क्वीर का हो, LGBTQ का या बाइनरी से बाहर वालों का। तुम मेरी बहनों को बढ़ने और सपने देखने का भी मौका नहीं दे रहे हो। पहले नजरिया बदलने की जरूरत है, तभी जमीनी बदलाव होगा। मैं अभिभूत हूँ। फिलहाल तो ऐसे सबके सामने आना नया लगता है। बहुत डर लगता है, कुछ भी हो सकता है। पीठ पीछे हर कोई मेरे बारे में बात करता है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने भड़कीले कैसे हो सकते हो? ये गलत है, ये बुरी बात है। तो ये सब देख सुनकर मेरे मन में ये बात आने लगी कि हो सकता है मुझ में ही कुछ गड़बड़ हो। मुझे असल में यही करने की ज़रूरत है, अपनी सच्चाई लोगों को दिखाऊं, ताकि खुद को बेहतर ढंग से स्वीकार तो कर पाऊँ। हेलो। हाय।
है। ओके हाँ सिंच ठीक, चेहरा ठीक, बैठो डार्लिंग। मुझे अच्छा लगा, क्या अद्भुत कसी हुई कमर है। बहुत शुक्रिया प्यारे। वाह तुम प्यारी दिखती हो। दूसरा चैलेंज कैसा रहा, क्या मुश्किल आई? हे भगवान क्या बोलूं? मुझे बताओ। चुनौती तो थी, दबाव भी काफी था, लेकिन मुझे तो वही याद रहा जो आपने मुझसे कल कहा था। अपनी आंखें बंद करो, सांस लो और महसूस करो। सांस खींचो, सांस छोड़ो, और बस ये याद रखो कि तुमने ये सब क्यों शुरू किया था। मैंने यही किया, फिर मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की, बस मैं ही मैं और मेरा रैंप। ये दुनिया तो पहले से ही मेरा मंच है। मुझे अच्छा लगा। इस तरह से एक ताकत महसूस होती है। हाँ। इतने सारे लोगों के बीच जिनसे पहचान भी नहीं, वे मुझे देख रहे हैं, और मैं भी क्या बोलूं? मुझे लगा ठीक है देखते रहो। मुझे लगता है कि जब लोग ये सोचते हैं कि हम उनसे अलग हैं, तो हमें ठीक उसी जगह बने रहना चाहिए। हे भगवान, बिल्कुल देवी जैसी दिख रही हैं। वो तो मैं हूँ, तुम भी सुंदर हो। मुझे कसी हुई कमर अच्छी लगी, तुम पर पोशाक भी अच्छी लगी। क्या तुम्हें पसंद आई? क्या तुम्हें उसे पहनकर अच्छा लगा? मुझे बहुत प्यारी लगी। मैं तो सातवें आसमान पर हूँ। इस शानदार पोशाक के लिए बहुत शुक्रिया। हम थोड़ी देर में तुम्हें नई हेयर स्टाइल देंगे, इंतजाम करवाता हूँ। हम नाखून भी संवारने की कोशिश करेंगे। अब तुम्हारा आखिरी चैलेंज। हमारा पूरा ग्रुप आएगा और तुम्हें देखेगा। तुम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो, ठीक है? अगर मैं पूछूं कि तुम्हें अपनी कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा याद है, तो वो कौन सी होगी? सबसे पसंदीदा गीतों में से एक है जब छाए। गायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा जादू कोई बच न पाए। हाय, ठीक है, अब हम गाने लगाने जा रहे हैं, तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखेंगे। मैं ऐसे शख्स की नजरों से तुम्हें देखने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें देखने के लिए खर्चा करे। अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस से उसके पैसे की कीमत अदा कर सको, तो अब शुरू हो जाओ साली। ठीक है, तय रहा। ये तो सिर्फ शुरुआती लाइनें हैं। बैठो बैठो, मुझे शुरू में अच्छा लगा, काफी अच्छा। मुझे वो पूरा पल अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि संगीत के बीच मैंने तुम्हें खो दिया, क्योंकि यहाँ से वहाँ तुम्हारा आना जाना ही होता रहा। गाने से इसे अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम लिप सिंकिंग नहीं कर रहे, समझे? जी हाँ। अगर यहाँ गाने में ब्रेक के दौरान किसी शख्स से तुम फ्लर्ट कर रहे हो और फिर कहो नहीं आज तुम नहीं, तुम हर किसी को व्यस्त रख रहे हो, फिर तुम वहाँ जाते हो, अपनी छाती पर बीचों बीच फूल रखते हो, वहाँ से निकाल कर किसी को देते हो, इस पर काम करना होगा। हाँ ठीक है। नमस्ते हैदराबाद। क्या हाल चाल, मजे हैं? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। आज आपके सामने पेश है एक अद्भुत ड्रैग क्वीन और बेहतरीन कलेवर में। तो कोलोन डॉल के लिए जोरदार तालियां। बहुत सारे संशय दिमाग में आते रहते हैं, रोज की बात है। लोगों के सामने कुछ भी करने में बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं खुद में सहज नहीं हूँ।
कोलोन डॉल। तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, अद्भुत लगी। तुम्हारी अदाकारी में गहराई थी और तुम जैसे लोगों से पेश आ रहे थे वो तो बेमिसाल था। तुम जब पहली बार कमरे में घुसे तो डरे दिखे, एक कम विश्वास वाले इंसान, जबकि तुम्हारे पास काबिलियत है। मुझे खुशी है कि तुम्हारे सफर में हिस्सेदार हूँ और तुम्हारे भीतर की शेरनी को जगाने में मददगार हो सका। मैं इस समय बहुत अभिभूत हूँ। अब हम उस मेकअप को खराब नहीं करना चाहते। नहीं, नहीं करना चाहते हैं। इस पर तुम्हारा हक बनता है, इन सब पर। तुम प्यार के हकदार हो, इस मंच के हकदार। तुम में जज्बा है। मैं और नई नई चीजें दिखाता रहूंगा, आपको ही नहीं पूरी दुनिया को। आखिरकार मेरे भीतर एक भरोसा आया है जो मुझे लगता था कि कभी नहीं आएगा। तमाम चुनौतियों के बाद मुझे ये महसूस होने लगा है कि मैं जो हूँ सो हूँ। हम सब अलग अलग लोग हैं, हमें कहीं फिट नहीं होना है। अगर मुझसे ये मुमकिन हुआ है तो यकीन मानिए आप भी औरों से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए।